ग्वालियर जिले के डबरा तहसील के ग्राम सिंकरा और कस्बे में हाल ही में भारी बारिश के बाद जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस संकट के चलते कई लोग बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। एनडीआरएफ की 60 सदस्य टीम को हैदराबाद से विशेष विमान द्वारा ग्वालियर भेजा गया है ताकि वे प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य कर सके। टीमें एयरलिफ्ट के माध्यम से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएगी। एनडीआरएफ की यह टीम ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दो भागों में विभाजित होकर हेलीकॉप्टर द्वारा ग्राम सिंकरा और डबरा कस्बे में राहत कार्य करेंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पूरे राहत अभियान पर पैनी नजर रखे हुए हैं और उन्होंने जिला प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसी निर्देश के तहत जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बुधवार रात करीब 3:30 बजे एनडीआरएफ टीम को बुलाने के लिए हैदराबाद से संपर्क किया था। उनके नेतृत्व में राहत कार्य और तेजी से संचालित हो रही है। सिंकरा और डबरा में जिला प्रशासन की टीमें पहले से मौजूद हैं और जलभराव में फंसे लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राहत कार्यों के तहत अब तक 325 लोगों को सुरक्षित रूप से निकालकर राहत शिविरों में भेजा गया है। पुलिस, जिला प्रशासन और स्थानीय पंचायतों के संयुक्त प्रयास से यह बचाव अभियान चल रहा है। यदि जरूरत पड़ी तो वे अन्य क्षेत्रों से भी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमों की मदद ली जाएगी।